बीकानेर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीकानेर के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आप शायद जानते होंगे, और साथ ही में हम बीकानेर की उन पांच जगहों को भी देखेंगे जो यहाँ पर घूमने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं बीकानेर शहर के सफर पर। बीकानेर भारत के राज्य राजस्थान में स्थित है, जो राजस्थान की कैपिटल जयपुर से 342 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। बीकानेर भारत के ऐतिहासिक शहरों में से एक है, जो अपनी प्राचीन संस्कृति, वास्तुकला और लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारतों के लिए दुनिया भर में लोकप्रिय है, और साथ ही में ये शहर अपनी ऊंट की सवारी के लिए भी जाना जाता है, जिस वजह से इस शहर को कैमल कंट्री यानी ऊंट का देश भी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बीकानेर शहर में 78% हिंदू, 17% मुस्लिम, 3% जैन और 2% अन्य धर्म के लोग रहते हैं। इसके अलावा बीकानेर शहर थार रेगिस्तान में स्थित है। 15वीं शताब्दी से पहले बीकानेर एक जंगल हुआ करता था, जिसे जंगल देश के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1488 में महाराजा राव जोधा के पहले पुत्र राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना की, और राव बीका ने अपने नाम पर इस शहर का नाम बीकानेर रखा, और साथ ही में अपनी लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारतों के कारण इस शहर को रेड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगर पॉपुलेशन की बात की जाए तो बीकानेर राजस्थान का 5वां और भारत का 67वां सबसे घनी आबादी वाला शहर है, जिसकी पॉपुलेशन लगभग 10 लाख के आसपास है। बीकानेर शहर का कैमल फेस्टिवल यहाँ के सबसे मुख्य त्योहारों में से एक है, जो हर साल जनवरी के महीने में आयोजित किया जाता है, और इस समय यहाँ पर देश विदेश से लोग कैमल फेस्टिवल में शामिल होने आते हैं। अगर बीकानेर शहर में घूमने फिरने की बात की जाए तो बीकानेर में घूमने के लिए काफ़ी खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जहाँ पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं बीकानेर शहर में घूमने की पांच सबसे अच्छी जगह, जहाँ पर हर साल हजारों लोग घूमने आते हैं। तो शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर है रामपुरिया हवेली। रामपुरिया हवेली बीकानेर की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है। इस हवेली को 15वीं शताब्दी में बालूची चालवा के द्वारा बनाया गया था। रामपुरिया हवेली को बीकानेर शहर का गौरव भी कहा जाता है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। नंबर 4 पर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल बीकानेर मेन सिटी से 8 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यहाँ पर आप लोग बहुत सारे ऊँटों को एक साथ देख सकते हैं। ये रिसर्च सेंटर एशिया का सबसे बड़ा कैमल फार्म है, जिसे देखने हर साल हजारों लोग आते हैं। नंबर 3 पर है लालगढ़ पैलेस। लालगढ़ पैलेस बीकानेर का एक हेरिटेज 4-स्टार होटल है, जहाँ पर रुककर आप लोग एक राजशाही जीवन का आनंद उठा सकते हैं। लालगढ़ पैलेस को 1896 में राजा गंगा सिंह ने अपने महल के रूप में बनवाया था, और इसे 1972 में होटल में बदल दिया गया। ये जगह बीकानेर में घूमने की सबसे अच्छी जगहों में से एक मानी जाती है। नंबर 2 पर है करणी माता टेम्पल। करणी माता टेम्पल बीकानेर का एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जो बीकानेर मेन सिटी से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। यह मंदिर करणी माता जी को समर्पित है। करणी माता मंदिर में आप लोगों को हजारों चूहे देखने को मिल जाएंगे, जिस वजह से इस मंदिर को रेड टेम्पल यानी चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। ये मंदिर बीकानेर में घूमने के लिए सबसे पवित्र धार्मिक स्थान माना जाता है। और अब नंबर 1 पर है जूनागढ़ फोर्ट। जूनागढ़ फोर्ट बीकानेर में घूमने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। इस फोर्ट को पहले चिंतामणि के नाम से जाना जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी की शुरुआत में
इस किले का नाम बदलकर जूनागढ़ या पुराना किला रख दिया गया। जूनागढ़ फोर्ट का निर्माण 1588 में राजा राय सिंह ने करवाया था। बीकानेर आने वाले लोग यहाँ पर घूमने जरूर जाते हैं। आप लोग इन जगहों के अलावा बीकानेर में घूमने के लिए वन वर्ल्ड वाटर पार्क, डेजर्ट सफारी, गजनेर पैलेस, श्री लक्ष्मीनाथ टेम्पल, सेठ भंडार सर जैन टेम्पल, गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आज जगह जा सकते हैं।